अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हेन आई ओवरकम विद वीकनेस, जिसको लिखने वाली हैं निजात अब्दुल समद, और इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है खादा अल्तराश ने। एनी हाउ, जो निजात अब्दुल समद हैं ये कौन है? ये एक सीरियन राइटर, ट्रांसलेटर और एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने टोटल 4 नॉवल्स लिखे हैं। इन्होंने 2 रशियन बुक्स को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। इनका फेमस वर्क जो है वो है नो वाटर टेक्स इट, और इस नोवेल को इनके किटारा प्राइज़ भी मिला है। बर्थ डेट इनकी 1967 है, और प्रेजेंट टाइम में शी इज़ लिविंग इन सीरिया। इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इनकी राइटिंग स्टाइल के अंदर हम लोगों को इमोशंस नज़र आते हैं, फीलिंग्स नज़र आती हैं, ट्रॉमा नज़र आता है वॉर का, और सेंटिमेंटलिटी नज़र आती है, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड नज़र आता है। ये अपनी राइटिंग के अंदर जो मेनली कंसर्न रखती हैं वो फीमेल के साथ रखती हैं। इन्होंने अपनी जो पोएम लिखी है, हमने जो डिस्कस करनी है, उसके अंदर दिखाया है कि विमेन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग क्रिएचर होती हैं। बैटल होती है, विमेन अलोन होती है, और वो अलोन अकेली ही जंग लड़ रही होती है। वो कभी भी दुश्मन के आगे झुकती नहीं है, वो कभी भी सरेंडर नहीं करती, कभी भी हिम्मत नहीं हारती, स्टिल स्ट्रगल करती रहती है। इसके अलावा इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर जो वॉर है उसका ट्रॉमा, वॉर की डिस्ट्रक्शन, डिके, डेथ, रूटलेसनेस, होपलेसनेस, ये सब कुछ दिखाया है। और इसके अलावा ये राइटर कहती है कि वॉर के अंदर जो मेल है, इविल मेल, इविल मैन, उसका जो एटीट्यूड है मैं उसकी बात करती हूँ। ऑन द अदर हैंड जो विमेन है वो सरेंडर नहीं करती, कंटिन्यूसली स्ट्रगल करती रहती है, सर्वाइव करती रहती है और हिम्मत नहीं हारती, मैं उसकी बात करती हूँ। एनी हाउ, अब हमारे पास है गाधा अल्तराश, ठीक है। ये एक कैनेडियन राइटर है जो जाती हैं सीरिया में और मुलाकात करती हैं समद से। समद ने जो वर्क्स प्रोड्यूस किए वो सब अरबिक लैंग्वेज में है। गाधा अल्तराश उनके वर्क्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती हैं। जब अल्तराश की मुलाकात समद से हुई तो दे बोथ कैप्ट इन टच। एनी हाउ, फिर जो अल्तराश ने समद के वर्क्स को ट्रांसलेट किया था वो वर्क्स ला टाइम्स में पब्लिश हुए। फिर उसके बाद अल्तराश ने इन वर्क्स को पब्लिक रेडियो इंटरनेशनल पर डिस्कस किया और स्टूडियो 360 पे भी डिस्कस किया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो समद है उनकी राइटिंग डिस्क्राइब करती है कि सीरिया के अंदर जो लाइफ है वो कितनी डिस्टर्बिंग वाली चल रही है, लेकिन फिर भी जो सीरियन फैमिली है वो अपनी स्टेबिलिटी को मेनटेन रखने की कोशिश कर रही है। हालाँकि वहाँ पर वॉर के थ्रेट है, लेकिन अंडर द थ्रेट ऑफ वॉर स्टिल जो वहाँ पे फैमिलीज हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं अपने आप को स्टेबल करने की, अपने आप की स्टेबिलिटी मेंटेन रखने की। अल्तराश कहती हैं कि जो समद है फिजिकली वो ह्यूमन सफरिंग जो सीरिया के अंदर है उसके बारे में लिखती हैं। सीरिया में जो ह्यूमन लाइफ सफ़र कर रही है, जो ह्यूमन सफरिंग हो रही है, ये उनके बारे में वॉइस उठाती हैं, उनके बारे में आवाज़ उठाती हैं। और मैंने सोचा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनकी वॉइस को और वॉइस ऑफ सीरिया के लोगों की अपने ट्रांसलेशन के थ्रू लोगों के सामने लेके आऊँ, ठीक है। क्या है, समद लिखनी है अरबिक में जो हम जैसे लोग पढ़ नहीं सकते थे। अल्तराश ने क्या किया, उनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में ताकि जो कॉमन मैन है वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके, हम जैसे लोग भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। और अल्तराश का कहना है कि ये मेरी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो सीरियन पीपल हैं और जो सीरिया के लोग जो भी हैं उनकी आवाज़ लोगों के सामने लेके आऊँ। अच्छा, ये अल्तराश वर्ड है। एनी हाउ, राइटर्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पोएम का वो है सीरिया। सीरिया के अंदर सिविल वॉर शुरू हुई थी, और वो सिविल वॉर 2011 में शुरू हुई थी और स्टिल ऑन गोइंग है, अभी तक कंटिन्यू है। और उस वॉर का इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ, कई लोगों की डेथ हुई, काफ़ी लोगों ने टॉर्चर ट्रॉमा फेस किया, लेकिन स्टिल यहाँ पे वॉर का थ्रेट मौजूद, यहाँ पे टेरर मौजूद,
हॉरर मौजूद, ट्रॉमा मौजूद है, लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारी। स्टिल वहाँ के जो लोग हैं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे सिविल वॉर हो रही है, वजह क्या है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना वो इस कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पोएम में राइटर ने जो इस सिविल वॉर के अंदर, जो इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन के अंदर विमेन है उनके बारे में बात की, कैसे विमेन ने खुद को मेंटेन रखा, कैसे विमेन ने खुद को संभाला हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ देयर हस्बैंड, देयर सन, देयर चिल्ड्रन, ठीक है, फिर भी खुद को अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। तो अब हमारी जो पोएम है हम उसको स्टार्ट करते हैं। When I am overcome with weakness, overcome मतलब कंट्रोल कर लेना, काबू पा लेना, weakness मतलब कमजोरी पे, कि जब मैं अपनी कमजोरी पे काबू पा लेती हूँ। I bandage my heart with a woman's patience in adversity, adversity बुरी हालत, patience सबर, कहते हैं मैं अपने दिल को बैंडेज करती हूँ, हार्ट को लाइक कवर करना, ड्रेसिंग करना, बाइंड बांध देना किसी चीज़ से। तो क्या आता है, कहते हैं जब मैं सीरिया के अंदर एक औरत को एक बहुत ही ख़राब सूरत हाल के अंदर सब्र करते हुए देखती हूँ ना, तो क्या होता है, आई बैंडेज माई हार्ट, मैं अपने दिल को कवर कर लेती हूँ, मैं जो मेरी कमज़ोरी है उस पर काबू पा लेती हूँ। आई बैंडेज इट विद द अपराइट पोस्चर ऑफ अ सीरियन वुमेन हु इज़ नॉट बेंट बाय बिरीवमेंट। बिरीवमेंट कहते हैं लॉस को, डिप्रिवेशन को, ग्रीफ को, दुख को, कि मैं जो दुख में मुबतला हूँ, मैं जो कमज़ोर हूँ। अब क्या है, जब मैं कमज़ोर हूँ तो मैं देखता हूँ एक सीरियन वुमेन को जो एडवर्सिटी में सबर कर रही है, मैं देखता हूँ एक सीरियन वुमेन को जो कि स्ट्रेस का कंडीशन है, ग्रीफ की हालत है, सोरो दुख भरी कंडीशन है, काफ़ी लॉस हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी उसका जो पोस्चर है वो सीधा खड़ा है, किसी के आगे वो सरेंडर नहीं कर रही, किसी के आगे वो झुक नहीं रही। पॉवर्टी, गुर्बत हो और डिस्प्लेसमेंट, एज शी राइजेस फ्रॉम द बैंकेट्स ऑफ डेथ एंड कैरीज ऑन शेफर्डिंग लाइफ रिचुअल्स, कि सफरिंग वाली कंडीशन है, सोरो है, पॉवर्टी है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है, ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उस विमेन ने किसी के आगे सरेंडर नहीं किया। इवन दो उसको डिस्प्लेस यानी कि घर से बेघर कर दिया गया हुआ है, उसके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई होम नहीं है, लेकिन वो लेमेंट नहीं कर रही, वो दुख नहीं कर रही, वो रो नहीं रही है, स्टिल शी इज़ अ बोल्ड, वो एक बोल्ड लेडी बनी हुई है, एक बहादुर। शी प्रिपेयर्स फॉर अ क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब आहिस्ता आहिस्ता, रेवरेस मतलब स्टार्विंग, भूखा होना, खाने का ख़त्म हो जाना और काफ़ी ज़्यादा भूख लगना। एंड विंटर एंड गैदर्स द हैवी फायरवुड ब्रांचेस, फायरवुड ब्रांचेस मतलब लकड़ियों की ब्रांचेज इकट्ठी करती है, और जो भूखी कंडीशन है जहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है तब भी कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम करती है, और वो ब्रांचेस कैसे इकट्ठे कर रही है, स्टिक बाय स्टिक फ्रॉम द फ्रिजिड वाइल्डरनेस, फ्रिजिड मतलब बहुत कोल्ड, बहुत ठंडा, और वाइल्डरनेस ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी अनाज ना उग रहा हो, वेस्ट लैंड, ठीक है। अब ये वेस्ट लैंड वाइल्डरनेस क्यों हुआ है, ड्यू टू वॉर। वो कहती है वो जगह जगह जा रही है और स्टिक्स इकट्ठे करके फायरवुड चला रही है, और चला कहाँ पे रही है, ऐसी जगह पे जहाँ वॉर चल रही है, जहाँ कोल्ड वाइल्डरनेस है, जहाँ पे ज़मीन बंजर हो चुकी हुई है। शी डज नॉट कट अ ट्री, डज नॉट स्टील, डज नॉट सरेंडर हर सोल टू वेरीनेस। वो कहते हैं वो कोई दरख्त नहीं काटती, ना वो चोरी करती है, ना वो सरेंडर करती है, किसी के आगे झुकती है। सरेंडर मतलब टू सेल हर सोल, अपनी रूह बेच देना, या प्रोस्टिट्यूशन के पेशे को अडॉप्ट कर लेना, नहीं, वो नहीं झुकती, वो स्ट्रगल करती है। डज नॉट आस्क एनी वंस चैरिटी, किसी से वो चैरिटी नहीं मांगती। डज नॉट फोल्ड द लॉर्ड एंड डज नॉट यील्ड मिडवे, ना वो भीख मांगती है, ना वो मिडवे बीच का रास्ता इख्तियार करती है, स्ट्रगल करती है, सब कुछ कर रही है, इंडिपेंडेंटली कर रही है। देन है आई बैंडेज माई हार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट बॉय, दे हिट विद एन इलेक्ट्रिक स्टिक ऑन हिज ओनली किडनी अंटिल ही यूरिनेटेड ब्लड। कहता है अब यहाँ पे
पहले बात की विमेन की, अब एक बच्चे की बात कर रही है, एक लड़के की बात कर रही है जिसको वॉर के अंदर मार मार के इतना बुरा हाल कर दिया। उस बच्चे की सिर्फ एक किडनी थी, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए और तब तक देते गए जब तक के यूरिनेटेड ब्लड, उसके यूरिन से उसने ब्लड ना निकाला हो, कि खून ना निकल पड़े, क्योंकि उसकी किडनी सिर्फ एक थी और वो भी उसको डैमेज करके रख दिया, ख़त्म करके रख दिया। यट ही रिटर्न्ड एंड वॉक इन द नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे उस लड़के की क्या दिखाई गई है, उसकी भी पुख्तगी दिखाई गई, डिटर्मिनेशन दिखाई गई है कि फिर भी वो उठा और उठ के इसने चला। डेमोंस्ट्रेशन मतलब प्रोटेस्ट करना, फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रहा कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। I bandage it with the steadiness of the child's step in the snow of a refugee camp. कहता है मैं अपने दिल को किससे ज़रा बैंडेज कर रहा हूँ, कहने के पहले क्या है अफसुर्दा था, लेकिन फिर ये सोचता है कि एक बच्चा जिसके स्नो के अंदर फुटप्रिंट्स तो हैं और वो क्या एक रेफ्यूजी है और रेफ्यूजी कैंप के अंदर रह रहा है। अ चाइल्ड वेयरिंग अ स्मॉल ब्लैक शू, छोटे से ब्लैक कलर के शूज़ पहने हुए हैं ऑन वन फुट, और वो जूती भी कहाँ पहनी है एक पाँव में, एंड अ लार्ज ब्लू सैंडल ऑन द अदर, और एक बड़ी सैंडल पहनी दूसरे पाँव पे। वंडरिंग ऑफ एंड सिंगिंग टू बटरफ्लाइज फ्लाइंग इन द सनी स्काइज, क्या इधर उधर फिर रहा है पर भागे का जा रहा है, उसने तितलियों को देखा है और भाग के उन तितलियों की तरफ जा रहा है। सनी स्काइज आसमान जो है उसमें सूरज निकला हुआ है। बटरफ्लाइज एंड स्काइज सीन ओनली बाय हिज आइज, और कहते हैं जो बटरफ्लाइज थे और जो स्काइज थे सिर्फ और सिर्फ इसकी आँखों के जरिए देखे जा सकते थे। एंड देन I bandage it with December's frozen tree roots, trees that have sworn to blossom in March or April. कि वो trees जो कि मार्च और अप्रैल में blossom होने थे, लेकिन क्या अब वो दिसंबर में जम चुके हैं। क्या हो चुका है यहाँ पे, ट्री रूट्स दिसंबर में जम चुके हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी happiness नहीं है, वहाँ पे वॉर की एक सिचुएशन है, वहाँ पे ट्रोमैटिक सिचुएशन है और कोई भी blossom यानी कि स्प्रिंग नहीं आ रहा। I bandaged it with the voice of reason that was not affected by a proximate dissolution. मैं अपने हार्ट को बैंडेज करता हूँ किससे, वॉइस ऑफ रीज़न से, मतलब आसपास मिजरी है, डिवेस्टेशन है, सोरो है, डिसअपीयर है, ट्रेजेडी है, सैडनेस, ग्रीफ है, लेकिन उनका कोई भी असर नहीं हो रहा प्रॉक्सीमेट इर्द गिर्द के इलाकों पे। क्यों, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बेस पे, ठीक है। तो कहते हैं मैं जब ये देखता हूँ ना इससे, आई बैंडेज माई हार्ट, आई बैंडेज इट विद वेन्स हुज वार्म ब्लड हैज़ नॉट येट बीन स्पिल्ड ऑन द सर्फेस ऑफ आवर स्केयर्ड सॉयल, सॉरी इट्स सेक्रेट सॉयल। सेक्रेट सॉयल मतलब पाक जमीन, प्रेशियस ग्राउंड। और कहते हैं मैं अपने हार्ट को किस चीज़ से बैंडेज करती हूँ, इस चीज़ से, उस वेन से जिसका खून अभी तक गर्म है और वो गर्म खून जो है अभी तक ज़मीन पे बिखरा नहीं है। आई बैंडेज इट विथ वट वॉज इंट्रस्टेड बाई अवर मर्डर्स विद द कॉन्शंस ऑफ द लिविंग एंड विद द इमेज ऑफ अ ब्यूटिफुल होमलैंड इनवियंट बाय द आईज ऑफ द पुअर। कहता है मेरा एक बिलीफ है, वो क्या है कि हमारे पास ये जो हमारा ब्यूटिफुल होमलैंड है, इस दिन एक दिन बैटल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे शहदा ने, हमारे मर्टर्स ने अपनी जान कुर्बान की है हमारे लिए, हमारे इस लैंड के लिए, इस सॉयल के लिए। और एक होप है, वो होप क्या है, वो होप ये है कि वन डे दिस ब्यूटीफुल लैंड विल बी प्योरीफाई, ये लैंड जो है ये प्योरीफाई हो जाएगा और हमारा हम लोग को एक होमलैंड प्रॉपर वे में हमें मिल जाएगा। और विद कॉन्शियस ऑफ द लिविंग यानी कि जो लोग हैं वो रह रहे हैं और वो कॉन्शियस हैं, ठीक है। मैं इन सब की चीज़ों को देख के, इन सब के बिहेवियर को, एटीट्यूड को देखते हुए, आई बैंडेज इट विद द आउट क्राई डेथ एंड नॉन ह्यूमिलेशन। मैं इसको बैंडेज करती हूँ किससे, आउट क्राई मतलब क्राइज ऑफ डेथ एंड नॉट ह्यूमिलेशन मतलब नॉट डिसग्रेस, कि जो डेथ है उसकी स्क्रीम्स एंड नॉट ह्यूमिलेशन, कि ये एक डिसग्रेस एक्ट नहीं है, ये एक शेम नहीं है, ये एक रेडिक्यूल एक्ट नहीं है, ये एक डिग्रेडिंग नहीं है, डिसऑनर नहीं है, बट क्या है, डेथ है। तो यहाँ पोइम में इन लाइन्स के थ्रू जो हमारी राइटर है वो हमें मोटिवेट कर रही हैं, वो जो वॉर का टेरर है, वॉर का इम्पेक्ट है, हॉरर है, उसको दूर करने की कोशिश कर रही हैं और बता ये रही हैं कि
जो सीरियल लोग हैं, दो उनके ऊपर एक सफरिंग की कंडीशन है, एक कंडीशन है जो कि बहुत बुरी है, खतरनाक किस्म की, लेकिन स्टिल वो उन्होंने अपने आप को सेटल करके, स्टेबल करके रखा है और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं जब भी मैं पेन देखती हूँ या सफरिंग देखती हूँ या कुछ भी ऐसा होता है जो बुरा हो रहा होता है, तो मैं अपने आप के हार्ट को बैंडेज करती हूँ, मरहम लगाती हूँ, कवर करती हूँ। किन से? इन सब चीज़ों से जो ये सफरिंग इनके ऊपर गुजर रही है, सिविल वॉर जब हो रही है, ये सारी कंडीशन जब इनकी चल रही है सीरिया की। और आपको पता है जो सीरियन सिविल वॉर है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जो कि अभी तक कंटिन्यू हुआ है। और कहती है मैं ये सारा कुछ देख के बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ, लेकिन जब मैं इन लोगों को देखती हूँ कि इनके अभी तक हौसले बुलंद हैं, वो लड़का मार खाने के बाद भी प्रोटेस्ट कर रहा है, बच्चा जो है, बच्चा इतनी बुरी सूरत है फिर भी वो तितलियों की तरफ भाग रहा है, और उसके बाद औरतें जो हैं वो अकेली हैं लेकिन वो झुक नहीं रही हैं, सरेंडर नहीं कर रही हैं, स्टिल स्ट्रगल कर रही हैं। तो ये थी हमारी आज की पोएम जिसका नाम था व्हेन आई एम ओवरकम विद वीकनेस। आई होप कि आपको ये पोएम क्लियर हो चुकी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।